कौन तय करेगा कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? हम लोग जो हैं आशा कार्यकर्ती हैं, हमारी मांगे यही हैं, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारे पेमेंट लागू किया जाए, हमको निर्धारित किया जाए। हाँ, सरकार हमें 2,2200 रुपये महीने का देती, इससे हम लोग अपना पेट पाले या अपने बच्चों का पाले, हम लोग इससे क्या कहें? हम तो कहते हैं इस 2,000 की ज़रूरत हमारे योगी और मोदी जी को हो, ना उनके बीबी हैं ना उनके बच्चे हैं। हम आशाओं को, हम आंगनबाड़ियों के, हमारे तो बीबी हैं, बच्चे हैं, घर हैं, सब परिवार हैं, हम उस 2,000 में क्या करें? हमसे 24 घंटे मेहनत लेती, ना रात को रात देखते हम लोग, ना दिन को दिन देखते हैं, ना ठंडी समझते हैं, ना गर्मी, ना बरसात समझते हैं। जब हम लोगों के पास फोन आता है तब हम लोग CSC PSC में दौड़ जाते। आज ये जो टीकाकरण अभियान पूरा हुआ जिस पे मोदी जी योगी जी भाषण दे रहे हैं, आज उस टीकाकरण अभियान के पीछे किसका हाथ है? अगर आशा बहू ना होती तो योगी मोदी जी आकर वहाँ से टीका लगवा लेते। आप एनम बहन को रख दिए, आशा बहनें बुलाने ना जाती तो एनम बहन जो एक जगह बैठी है क्या वो टीका लगा लेती? क्या गांव वाले इकट्ठा हो जाते? आज अगर पोलियो मुक्त हुआ है तो उसकी कारण है आशा बहुए हैं। हमारे देश से एक बुराइयाँ हट रही वो हो रही, पोलियो मुक्त हुआ है। हम चाका ब्लॉक से आशा हैं, मेरा नाम रंजना भारतीया है। हम लोगों को एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, अब हम लोग अपना अधिकार लेकर आएंगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदा। तो सरकार का विचार अन्यथा, सरकार को जो हम लोगों ने बना बनाया है वो सब होगा। उसमें एक हमारी गलत सुनाई है, हमारी जितनी सरकार की एक कुछ धारी नीति है कि संघा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संघ की सुरूर फातिमा जी है, ये अध्यक्ष हैं जनपद की, इनसे हम अनुरोध करेंगे कि अपने विचार सभी दूर दराज से आए हुए किस रास्तों से आए हुए बहनों को मैं स्वागत प्रणाम करती हूँ। मैंने उम्मीद तो सब तोड़ लेंगे, अगर हमें 1, 2, 3, 4 सारे इकट्ठा होंगे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार आशा अगर आग लड़ाई लड़ेंगी तो वो नहीं जीत सकती। आंगनबाड़ी